वेलकम टू एक्निमस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज का अपना टॉपिक है हाउ टू टैकल रीजनिंग। एसएससी के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एसएससी प्री के अंदर जो अपने एग्जाम है 22 मार्च से 25 मार्च तक, उसके अंदर रीजनिंग का जो वेटेज है 50 क्वेश्चंस का वेटेज है आउट ऑफ 200 क्वेश्चन। यदि वेटेज की बात करें तो 25% वेटेज है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यदि दोस्तों आप लोग यदि रीजनिंग पे फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर सिक्योर कर सकते हैं। और उनके लिए जिन लोगों की तैयारी अच्छी है, एवरेज है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ हाउ टू टैकल रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर 50 में से 50 क्वेश्चन कैसे लेके आने हैं और विद इन 35 मिनट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 25% वेटेज, अगेन आई एम सेइंग 25% वेटेज ओनली सिंगल सब्जेक्ट। तो कुछ मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है रीजनिंग के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट अपना जो टाइटल है हाउ टू टैकल रीजनिंग, क्लियर हुआ? तो दोस्त रीजनिंग के अंदर क्या क्या टॉपिक आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग के यहाँ पर 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो टॉपिक कवर होते हैं रीजनिंग के अंदर उन टॉपिक की मैं बात करूं तो आपके सामने मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं। पर टॉपिक के साथ साथ अपन को क्या फाइंड आउट करना है उनकी भी मैं आपको बात करूंगा। यहां पर जो मैंने टॉपिक लिखे हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, कोडिंग डीकोडिंग, क्यूब एंड डाइस, डायरेक्शन, एम्बेडेड इमेज, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज एंड व्हाट आर इमेज, जो लेफ्ट हैंड साइड वाले टॉपिक है एसएससी के अंदर, इनका वेटेज काफी सारा वेटेज होता है। यहां वेटेज की मैं बात करूंगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन होंगे वो भी मैं बताऊंगा, और राइट हैंड साइड जो चैप्टर है उनके वेटेज काम है, क्लियर? लास्ट सिनेरियो की मैं बात करूं तो वेटेज की मैं बात करूं तो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं उसकी भी मैं बात करूं। पहला यूनिट है सीरीज। यदि इस चैप्टर की मैं बात करूं तो क्वेश्चंस का जो वेटेज है यहां पर सीरीज का, यहां पर 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस? 7 to 8 क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछे जाएंगे। एनालॉजी के क्या वेटेज है? 7 to 8 क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे वेटेज कितना है, आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 7 to 8 क्वेश्चन, इट्स वेरी हाई वेटेज। तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि किन चैप्टर पे अपन को फोकस करना है। क्लासिफिकेशन की मैं यहां बात करूं तो इसके भी क्वेश्चन का वेटेज 5 to 6 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन, वेन डायग्राम का यहां 2 क्वेश्चन के वेटेज, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन, क्यूब एंड डाई से 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अब यदि इन चैप्टर की मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस का वेटेज बन गया। तो रीजनिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और एसएससी के लिए ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये वो टॉपिक है जहां क्वेश्चंस को करने में टाइम भी कम लगता है, क्लियर हुआ? अभी मैं बताऊंगा। और ये नेक्स्ट जो टॉपिक है, यहां तक की मैं बात करूं तो हर चैप्टर से अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 क्वेश्चन का वेटेज है यहां पर, और क्रो को कैलेंडर से एसएससी के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो आपको मालूम चल गया होगा काफी सारे स्टूडेंट्स क्लॉक और कैलेंडर को लेके परेशान होते हैं, पर मैं आपको बता देता हूं एसएससी जेई के अंदर आज तक क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो ज्यादा वेटेज कौन कौन से चैप्टर का आपको आइडिया लगा? सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इन चैप्टर का सबसे ज्यादा वेटेज है। अब वेटेज से आपको आइडिया लग गया होगा किस टाइप के क्वेश्चंस को अपन को माइंड मेकअप करके चलना है, क्या इस टाइप के क्वेश्चंस तो हमें अटेम्प्ट करने ही हैं। तो क्लियर हुआ? तो आपको जो फोकस करना है एनालॉजी, सीरीज,
क्लासिफिकेशन, कोडिंग डीकोडिंग, क्लियर, डायरेक्शन, वेन डायग्राम, इन पे फोकस ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि इन क्वेश्चन में लैंग्वेज नहीं आती, और लैंग्वेज नहीं आती तो क्वेश्चन बहुत जल्दी होने वाले हैं, क्वेश्चन बहुत जल्दी होने वाले हैं। और रीजनिंग का पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको टॉपिक का आइडिया लगा दोस्तों। अब क्या क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स रीजनिंग के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर हुआ। तो यहां पर कुछ चीजें हैं यहां पर जो मैं आपको डिसाइड करने वाला हूं। यहां पर देखिए कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे अपन को फोकस करना है। सॉल्व द क्वेश्चन विद रीजनिंग ट्रिक, यहां पे जो मैंने क्लास के अंदर आपको ट्रिक बताता हूं उनको, अप्रोच को यूज करना है। यदि आपको अल्फाबेट्स की पोजीशन वैल्यू याद होंगी तो रीजनिंग के अंदर 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि अल्फाबेट्स की पोजीशन से रिलेटेड हैं। वो कौन कौन से चैप्टर कवर करेंगे, फर्स्ट सीरीज, सेकंड एनालॉजी, थर्ड इज क्लासिफिकेशन, फोर्थ इज अल्फाबेट टेस्ट। ये 5 चैप्टर जो कि प्योरली इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर्स के ऊपर, यदि आपको उनकी पोजीशन टिप पे याद है तो क्वेश्चन बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो उन ट्रिक का ध्यान रखना। और मैं क्लास के अंदर आपको याद भी कराई होगी। तो यहां पे मैं आपको बात करूं, जस्ट लाइक ट्रिक की मैं बात करूं, तो ये पोजीशन वैल्यू मैंने आपको याद कराई हुई है, अपोजिट के कॉम्बिनेशंस मैंने आपको याद कराया हुआ है, तो उनको याद रखोगे, ए टू जेड, बी वाई, फोर एक्स, दूध वाला, इवनिंग, फादर अंकल, गौरव टावर, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जयपुरी क्वीन, काला पानी, लाव और महावीर नगर। इस टाइप की ट्रिक आपको याद करनी है, क्योंकि पेपर को करना नहीं है, जल्दी करना है, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो स्पीड पे अपन को फोकस करना है, क्लियर हुआ। अब पेपर आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हो तो कुछ सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, सर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। और मैं आपको बता रहा हूं क्या गलती करते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स। तो ट्रिक, देयर आर मेनी ट्रिक्स, मैंने आपको बताई, हर चैप्टर की भी ट्रिक्स मैंने आपको बताई। तो यहां पर मैं आगे बढ़ूं, तो यहां पे अपन बात कर रहे हैं, यहां पर तो यहां से क्लियर हुआ, तो आगे मैं बात बताऊं तो क्या करता है बच्चा, डोंट टेक चैलेंज एनी क्वेश्चन। बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, कोई क्वेश्चन उससे नहीं बन रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, जो टाइम आपने डिसाइड किया हुआ है क्वेश्चंस के लिए उस टाइम में नहीं बना, तो उसके साथ आपको चैलेंज नहीं लेना, चैलेंज नहीं करना, लेफ्ट द क्वेश्चन, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको आइडिया हो गया कि यार उस क्वेश्चन को यदि मैं कर रहा हूं तो मेरा टाइम खराब हो रहा है। यदि आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट पे ना बना तो उस क्वेश्चन के साथ चैलेंज नहीं लेना। बच्चा चैलेंज ले लेता है और उस क्वेश्चन को करने के लिए 2-3 मिनट्स वेस्ट कर देता है, और लास्ट में फिर टाइम की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अपन को किसी भी क्वेश्चन के साथ चैलेंज नहीं लेना, यदि आता है वेल एंड गुड, नहीं आता गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन मैं बना लूंगा बट लिटिल बिट टाइम की और रिक्वायरमेंट है, तो उसको मार्क द रिवाइव में डाल दें, या अपने रफ पेपर की सीट के कॉर्नर पे उस क्वेश्चन की नंबरिंग डाल दें। यदि आपके पास सेकेंड राउंड में टाइम बचे तो डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे जाओ और टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट करो और क्वेश्चन को पॉजिटिव बनाओ, बट ये फर्स्ट राउंड में अपन को किसी भी क्वेश्चन के साथ चैलेंज नहीं लेना। पहली चीज क्लियर हुई या सुनो, जब पेपर ऑन द ड्यूरेशन कर रहे हो, क्लियर हुआ, कुछ क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शन इतने बड़े होते हैं जिनको करने में डेफिनेटली टाइम लगेगा, जिसको रीड करने में टाइम लगेगा, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें। जानबूझकर एसएससी के अंदर भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जिनमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उनको फर्स्ट राउंड में नहीं करना। यदि अपन फर्स्ट राउंड में करेंगे तो अपन नर्वस हो जाते हैं, टाइम ज्यादा निकलता हुआ चल जाता है और बाद में होपलेस होते हुए चल जाते हैं। यदि उन क्वेश्चन को सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करें, जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, डायरेक्शन,
अब डायरेक्शन के इंस्ट्रक्शंस देखिए कितनी लाइन के हैं। यदि इंस्ट्रक्शन 1 or 2 लाइन का है नो प्रॉब्लम्स, यदि इंस्ट्रक्शन 5 to 6 or 7 लाइन के हैं तो उन इंस्ट्रक्शन को तो रीड करना पड़ेगा, उनसे डेटा फेच करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन 40-50 सेकेंड से ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। तो बेटर है उसको सेकेंड, क्योंकि एवरी क्वेश्चन आर इक्वल मार्क, एवरी क्वेश्चन आर इक्वल मार्क, क्लियर है? तो ध्यान रखना हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है, तो किसी के लिए भी अपन को ज्यादा टाइम किल नहीं करना। तो डोंट चैलेंज एनी क्वेश्चन, मोस्टली स्टूडेंट चैलेंज लेते हैं और टाइम को किल करते जाते हैं, इस चीज पे आपको फोकस करना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब बच्चों के साथ टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आता है। बच्चा क्या करता है, सर 50 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के लिए वो 30-40 सेकंड डिसाइड कर लेता है। नहीं, अपन को डोंट फिक्स इक्वल टाइम फॉर ईच क्वेश्चन। अब यहां पे जो अपन को टाइम डिसाइड करना है क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन के लेवल पे डिफाइन करना है। मान लीजिए आपके सामने कोई एनालॉजी का क्वेश्चन है, बच्चा माइंड मेकअप करके चलता है घर से कि मुझे हर क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड देनी है या 30 सेकंड देनी है। नहीं, क्वेश्चन के लेवल पे अपन को डिसाइड करके चलना है। अगर एनालॉजी के क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन तो 5 to 6 सेकंड में होगा। यदि आप उस क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड देंगे और क्वेश्चन का जो लेवल है 5 सेकंड और उस क्वेश्चन के लिए आप 40 सेकंड का डिसाइड करके आए हो तो डेफिनेटली एग्जाम में आप 40 सेकंड ही देंगे। तो आपकी कितनी सेकंड किल हुई बेटा, 35 सेकंड किल हुई। तो अपन को क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग यहां पर टाइम डिसाइड करना है कि यार एनालॉजी के लिए कितना टाइम डिसाइड करना है, क्लियर? सीरीज के लिए कितना टाइम लगता है, वो सब कैसे मालूम चलेगा? यदि आपने क्लास ली होगी, प्रैक्टिस की होगी, तो सब आपको मालूम चला होगा, क्लियर? यदि आपको यहां पर अभी भी 4 days left, यदि इन चीजों पे अभी भी फोकस करेंगे तो आप बेस्ट स्कोर बना सकते हैं। अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, क्लियर हुआ? अब कई बार क्वेश्चंस क्या होता है, मान लीजिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, अब उसके इंस्ट्रक्शन इतने बड़े हैं 7 to 8 लाइन है, उसको आप 35 सेकंड्स में करना चाहें तो क्या हो पाएगा? नहीं। अब बच्चा 35 सेकंड देता है, 35 सेकंड देता नहीं होता तो गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाता है। नहीं, उस क्वेश्चन का टाइम फाइंड आउट करो। यदि आपके लिए उसके लिए 2-4 सेकंड और लगे तो उसको देना चाहिए और क्वेश्चन को पॉजिटिव बनाना है। जब ये कम मालूम चलेगा जब अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग यही थी कि किसी भी क्वेश्चन के लिए अपन को फिक्स टाइम नहीं करना, क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग टाइम फिक्स करना है। बच्चा मोस्टली से यही सोचता है हर क्वेश्चन 30 सेकंड 40 सेकंड में होना चाहिए। नहीं, क्लियर? एक सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर हुआ? तो इन सब चीजों को अपन को माइंड में लेके चलना है दोस्तों, क्लियर हुआ? जब अपना बेस्ट स्कोर हो पाएगा, जो मैंने बताई ट्रिक्स इन चीजों पे फॉलो करना है, फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो You call me. My contact number is 7597852777. जो मैंने यहाँ पे बताया उन चीजों पे फोकस करना है और गलती नहीं करनी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू एवरीवन। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.